एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। दिन दहाड़े हुई हत्या से सहमा पानीपत आरोपी ने खुद को मारी गोली, दोनों की हुई मौत। डायस एसोसिएशन ने जिमखाना क्लब में किया सेमिनार का आयोजन। 50 इंडस्ट्री में लगाए जा चुके हैं ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल में हुआ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, पट्टी कल्याणा एकेडमी की टीम रही प्रथम। सनोली खुर्द में गोचरान की भूमि पर निशानदेही करने पहुंचा तहसील विभाग। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर महाराजेश्वरी स्कूल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत के सिविल अस्पताल के पास दिन दहाड़े हत्या की वारदात हुई, जिसमें एटीएम में कैश डालने आए वाहन चालक को सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह करीब 10 बजे गांधी अस्पताल के पास एक कैनरा बैंक के पास एटीएम में कैश डालने आया वाहन रुका। वाहन में गार्ड और चालक के बीच कहासुनी हो रही थी कि तभी चालक ने वाहन को साइड में लगाया और देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गार्ड ने चालक के ऊपर रिवॉल्वर तान दी और चालक को 3 गोली मार दी गई। दरअसल करनाल के ब्रिजपुर का रहने वाला गार्ड महेश ने बला निवासी चालक सुनील से नीचे उतरने को कहा। इसके बाद महेश ने चालक सुनील को 3 गोली मार दी, जिसके बाद गार्ड ने खुद को भी गोली मार ली, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जब तक राहगीर कुछ समझ पाते महेश गिर पड़ा। पुलिसकर्मी महेश को सिविल अस्पताल ले गए, जहां से उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचने से पहले ही महेश की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में कैश भरा हुआ था। वहीं अभी तक कहासुनी की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने रिवॉल्वर बरामद कर ली है। ड्राइवर की कुछ कहासुनी आपस में हुई है और आवेश में आकर उसने गोली मार दी और उसको भी मार दी, खुद को मार दी। डेड बॉडी अभी ड्राइवर की है, जिसका नाम सुनील है, जो ब्रिजपुर करनाल का रहने वाला है, और गनमैन जो है वो भी करनाल का, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, उसको गंभीर अवस्था में रेफर किया है PGI का। वेरीफाई करेंगे उसके बाद जो आएगा। कुछ और लोग कैशियर है, बैंक की गाड़ी है, कैश है साथ में। नहीं, कैशियर साथ ही है, अभी कहाँ जाएंगे वो, तो बैंक के कर्मचारी बैठे हैं अभी। नहीं, आपस में दोनों दिन की कहा सुनी हुई है, आपस में बहसबाजी होकर के उसके बाद गनमैन ने गोली मार दी और मौके पे एक्सपायर हो गया। डायस एसोसिएशन ने जिमखाना क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कई कंपनियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस सेमिनार में ये बताया गया कि अभी तक पानीपत में 50 इंडस्ट्री में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा चुके हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सेंट्रल प्रदूषण बोर्ड ने डाइंग इंडस्ट्रीज में वायु गुणवत्ता की जांच के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस सिस्टम के तहत फैक्ट्री के अंदर जैसे ही वायु की गुणवत्ता बिगड़ेगी, तभी सेंट्रल बोर्ड की तरफ से सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। सेक्टर 25 स्थित जिमखाना क्लब में बुधवार को डायस एसोसिएशन ने सेमिनार किया। इसमें पंजाब की डक्सल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और पानीपत की शिवम इंजीनियरिंग कंपनी ने भाग लिया। डायस एसोसिएशन के प्रधान भीम सिंह राणा ने बताया कि पानीपत में करीब 500 इंडस्ट्रीज हैं। अभी तक करीब 50 इंडस्ट्री में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा चुके हैं। जल्द ही सभी इंडस्ट्रीज में प्लांट लगवा दिए जाएंगे। सिस्टम में फैक्ट्री के अंदर और बाहर की हवा की क्वालिटी पर नजर रखी जा सकती है। धुएं की मात्रा में अगर NOS, SOS और SPM की मात्रा बढ़ती है, तो इसके सिग्नल पंचकुला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल प्रदूषण बोर्ड की तरफ से आना शुरू हो जाएंगे। हमारा ही परिवार आने वाला है, आज हम इस समाज को बुरा करेंगे तो हमारा अच्छा नहीं होने वाला, हमारे भविष्य बच्चों का होने वाला नहीं है। तो हमें ये दिमाग में ले लेना चाहिए, काम सही करना है, और नहीं करोगे तो सरकार करवा ही देगी, ये भी अब गारंटी है। कोई सरकार है इसीलिए ये सिस्टमेटिक काम होना है और लगाना ही पड़ेगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं सिंह साहब की, कि हमें वैट सरकार पर नहीं चलाना है, जगह नहीं है। जगह तो दिल में होना चाहिए, बाकी सब बन जाएगी।
हमें जगह लगानी पड़ेगी, सब जगह सिस्टमेटिक काम भी करना है, काम करना पड़ेगा। तो क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में हतवाला रोड स्थित महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में पट्टी कल्याणा एकेडमी की टीम प्रथम रही। प्रतियोगिता में चंदन बाल विकास स्कूल आटा व आरडी शारदा शिक्षा सदन कुरवाड़ की टीम मुख्य रूप से तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल शिक्षा का अहम अंग है, हमें प्रत्येक बच्चे को खिलाना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था संरक्षक महावीर सिंह त्यागी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में खेल एकेडमी का शुभारंभ भी किया, ताकि बच्चों को प्रोत्साहित कर राष्ट्र के उत्कृष्ट खिलाड़ी बना सके। क्रीड़ा भारती के बैनर के नीचे एक स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू की, जिसमें हॉकी, ताइक्वांडो और कबड्डी तीन गेम हम ऐसे शुरू करने जा रहे हैं अपने इस एकेडमी के अंतर्गत, जो बहुत उपयोगी खेल है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, कबड्डी हमारा ग्रामीण स्तर पर एक ऐसा खेल है जिसमें बिना किसी साधन के सभी लोग, जिनकी पहुंच साधनों तक नहीं है, ऐसे लोग भी उस खेल को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। और ताइक्वांडो जो आत्मरक्षा के लिए बहुत उपयोगी आज के युग में जो एक समस्या, मुख्य तौर पर जो महिलाओं के लिए जो एक समस्या है आत्मरक्षा के क्षेत्र में, हम उसका लाभ ले सकते हैं। इन राष्ट्रीय खेलों को हमने अपने यहाँ इस एकेडमी के अंतर्गत लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन खेलों के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, sapno se behtar kal. Pai Sanskriti School, add colors to your learning. Pai Sanskriti School, your life will be shining. गांव सनोली खुर्द में तहसील विभाग गोचरान की भूमि पर कब्जे की शिकायत लेने पर निशानदेही करने पहुंची। गांव सनोली खुर्द में ग्रामीणों की शिकायत पर कानूनगो पटवारी ने गोचरान भूमि की निशानदेही की। जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली कि गांव में गोचरान भूमि पर किए हुए अवैध कब्जे की निशानदेही करने कानूनगो पटवारी आए हुए हैं, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गांव में गोरान व गो बैठक जमीन पर कब्जे को लेकर आपस में तनाव चला हुआ है। इस दौरान कानूनगो नरेश कुमार व पटवारी रामेश्वरम ने मशीन से गोचरान भूमि पर अवैध कब्जे सहित करीब 2 एकड़ जमीन की निशानदेही की गई। कानूनगो नरेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने गांव की गोचराद व गो बैठक जमीन की निशानदेही करने की मांग पर भूमि पर बने मकानों व खाली पड़ी भूमि की निशानदेही की, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर निशानदेही की रिपोर्ट दी जाएगी। हम फिलहाल खड़े हैं गांव सनोली खुर्द में, जहां पर करीब 2 एकड़ के लगभग जमीन है यहां पर गोचरान की, जिस पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन तहसीलदार को शिकायत दी थी कि इस गोचरान जमीन पर कुछ अवैध कब्जे हैं, जिसको छुड़वाया जाए और इसकी पैमाइश की जाए। यहां पर कानूनगो और पटवारी की टीमों ने इस गाँव में आकर इस गोचरान जमीन की पैमाइश की और निशानदेही की है, और निशानदेही की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, ताकि ग्रामीणों की जो शिकायत है कि इस पर कब्जे हटाने की, उससे शुरू में ये औपचारिकता शुरू की गई है और अभी फिलहाल इस पे काफ़ी संख्या में कब्जे हैं, जिसको लेकर गांव में भी तनाव बना हुआ है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट।
महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी श्रद्धांजलि दी। हथवाला रोड स्थित महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जिसमें विद्यालय के संरक्षक व गांधी विचारक महावीर सिंह त्यागी की अगुवाई में चरखा चलाकर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी के पुण्यतिथि को विद्यालय में सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बच्चों ने प्लम्बिंग, बिजली के उपकरणों, मिट्टी के बर्तन बनाने, चरखा चलाने जैसे कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई। कार्यक्रम से पूर्व बच्चों ने गांधी जी की याद में हवन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्मालखा की निगरानी कमेटी के चेयरमैन व भाजपा नेता विनोद छोकर, समाज सेवी मदन छोकर, भाजपा नेता शशिकांत कौशिक, संचालक आदेश त्यागी, प्रधानाचार्य प्रीति शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता शिव कुमार जैन आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पूज्य महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल समालखा पानीपत में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पूज्य गांधी जी जो नई तालीम के द्वारा एक नया संदेश देना चाहते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना के अंतर्गत उसे अपनाकर बच्चों को हुनरमंद बनाने की एक योजना शुरू की है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बे का डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों दांत सर्जरी डिलीवरी फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथोराइज डीलर, ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। अपो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। एलके होंडा गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व जीटी रोड संभाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।